एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, इंडियन आइडल के मंच पर इस बार हुआ धमाल कमाल। जी हाँ, क्योंकि शो में आई रीना रॉय। रीना रॉय के सामने शो की तीनों फीमेल कंटेस्टेंट ने छेड़ दी सुरों की तान। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो रीना रॉय का दिल आ गया अरुणिता पर और बोल बैठी उसे गुलाब की असली कली? और उसके बाद क्या था पवनदीप का रिएक्शन? चलिए आपको बताते हैं टेली टॉकीज की इस रिपोर्ट में। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन 12 के मंच पर आई रीना रॉय और ऐसे में सियाली ने दी शानदार परफॉर्मेंस। सियाली ने गाया 80s का सुपर हिट गाना जिसका रिमिक्स वर्जन भी आ चुका है, कलियों का चमन जब खिलता है। और इसमें सियाली का साथ देती हुई नजर आई शनमुख प्रिया और अरुणिता। दोनों ने ही मिलकर सियाली का खूब साथ दिया। तीनों ने सुरों की ऐसी तान छेड़ी कि स्टेज पे मौसम पूरी तरह से बदल गया और रीना रॉय इन तीनों की गायकी में खो गई। लेकिन जब बात कलियों की हो रही थी तो भला रीना रॉय इस पर चुटकी कैसे नहीं लेती? और इसीलिए रीना रॉय ने सीधा सीधा बोला कि वैसे तो तुम तीनों ही बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन अरुणिता तुम तो लग रही हो मुझे असली गुलाब की कली। तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारे होठ गुलाब की पंखुड़ी के जैसे हैं, और जब तुम इनसे मुस्कुराती हो ना तो और भी खूबसूरत हो जाती हो। जैसे ही रीना रॉय ने ये कॉम्प्लीमेंट दिया अरुणिता को, अरुणिता मुस्कुराने लगी और शर्माने लगी। शर्म के मारे अरुणिता का चेहरा लाल हो गया। पवनदीप भी दूर बैठे अरुणिता को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। लेकिन उसी समय रीना रॉय की नजर जा पड़ी पवनदीप के ऊपर और वो भी पवनदीप को देखकर मुस्कुराने लगी, मानो पवनदीप को छेड़ रही हो। क्या कहेंगे आप कमेंट्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।